मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मानव की इस परिस्थिति से अवगत त्रिकालज्ञ भगवान और उनके भक्त ऋषि मुनियों ने वेद, पुराण, स्मृति और समस्त शास्त्रों को आत्मसात कर मानव के कल्याण हेतु सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय कहे हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय हैं। व्रतों के विधान करने वाले ग्रंथों में व्रत के अनेक अंगों का वर्णन देखने में आता है। उन अंगों का विवेचन करने पर दिखाई पड़ता है कि उपवास भी व्रत का ही एक प्रमुख अंग है। इसीलिए अनेक व्रतों के आचरण काल में उपवास करने का विधान देखा जाता है। भगवान को अति प्रिय तथा उनकी प्राप्ति हेतु ऐसा ही एक व्रत है एकादशी व्रत, जिसमें अन्न न ग्रहण करने का व्रत लिया जाता है और अधिक से अधिक समय भगवत स्मरण, चिंतन एवं कीर्तन में लगाया जाता है। और आज हम उसी एकादशी में से एक कामिका एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में कामिका एकादशी का महात्म्य वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपसे मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में सुना, कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सावन के कृष्ण पक्ष में सभी पापों का नाश करने वाली और मनोवांछित फलों को देने वाली कामिका एकादशी का शुभ आगमन होता है। पुरातन काल में जगत पिता ब्रह्मा से महर्षि नारद ने पूछा, सावन के कृष्ण पक्ष में किस एकादशी का आगमन होता है व उसका नाम क्या है, उसके प्रधान देव कौन है तथा इस व्रत को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आपने समस्त ब्रह्मांड के हित का प्रश्न पूछा है। इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके महात्म्य को श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्नान जैसे कि गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने वाले पुण्य से भी हजारों गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत के फल स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा से उपासकों के साथ साथ उनके पितरों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी गंधर्वों और नागों की भी पूजा हो जाती है। जिस प्रकार कमल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार कामिका एकादशी करने वाले को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि की उपासना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी देवी को स्पर्श करने से हम पावन हो जाते हैं। उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और तुलसी रोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों पर तुलसी अर्पण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक और प्रणाम करने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब रखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में निवास करता है। हे नारद, पाप से भयभीत मनुष्यों को इस कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने भी कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, वे समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। वह इस महात्म्य का श्रद्धा से जो भी श्रवण करता है व कथन करता है, उन्हें भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि सर्वोपरि हैं।
वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान श्री हरि हीरे मोती सोने चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण करने पर होती है। अतः एकादशी पर हमें भी व्रत रख भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए, तुलसी अर्पित कर सभी पापों से मुक्त होकर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।